हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर है जो ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है। आप जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करते हैं फ्रेंड्स, प्ले स्टोर ओपन करने पर यहाँ से यहाँ पर सर्च करते हैं। आप सर्च करने पर यहाँ पर कई सारे स्टोरी सेवर ऐप आ जाते हैं और यहाँ से आप कोई भी एक ऐप को है फ्रेंड्स यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने पर है वो उसमें फ्रेंड्स लॉगिन प्रॉब्लम हो रही है, लॉगिन नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है इसके लिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऐप मैनेजर ऐप्स या एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है सब आपके सामने आ जाएगी। सो उनमें से आपको जो भी स्टोरी सेवर ऐप है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर कैच पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद है फ्रेंड्स यहाँ से आपको बैक आ जाना है एंड बैक आने के बाद है फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में है जो इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करने पर है फ्रेंड्स अब आपको अपनी प्रोफाइल आइकन पे आ जाना है। प्रोफाइल आइकन पे आने के बाद यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना यूज़र नेम अच्छी तरीके से देख लेना है एक बार, क्योंकि वहाँ पर आपको लॉगिन करने में जैसे ही आप इंस्टाग्राम लॉगिन करते हैं उसी टाइप से आपको स्टोरी सेवर ऐप है, अगर कोई से भी स्टोरी सेवर ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। जैसे जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन करते हैं स्टोरी सेवर ऐप में भी आपको वही आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, वही पासवर्ड डालने पड़ेंगे जो आपके इंस्टाग्राम में है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यूज़र नेम अच्छी तरीके से देख लेना है या फिर इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप कॉपी कैसे करेंगे, क्लिक करके यहाँ से आपको टैप करके रखना है, ये ब्लू लाइन हो जाएगी, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर देना है, ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद है फ्रेंड्स आपको यहाँ से पासवर्ड डालना है। अब अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है फ्रेंड्स आप कैसे देखेंगे, यहाँ से बैक आना है, थ्री डॉट में आके आपको यहाँ से सेटिंग में आ जाना है। जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं सेटिंग में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ्रेंड्स फॉरगॉट योर पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम पासवर्ड को फॉरगॉट कर लेना है। फॉरगॉट करने के बाद न्यू पासवर्ड आपके क्रिएट हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स आप ये सोचते हैं कि पासवर्ड क्रिएट करने से कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ना ही अपने यूज़र आईडी का नेम चेंज होता है फ्रेंड्स, वही नेम रहता है, बस ओनली पासवर्ड जो चेंज हो जाते हैं। अब उसके बाद है फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पासवर्ड चेंज कर लेना है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको बैक आना है और आपके मोबाइल में जो भी स्टोरी सेवर ऐप है उसी आपको ओपन कर लेना है। मेरे मोबाइल में है बट मैंने पहले ही ऑलरेडी ओपन कर रखा है, इसे लॉगिन कर रखा है। सो फ्रेंड्स अब वहाँ पर आपको है क्या करना है, वहाँ पर आपको अपनी यूज़र नेम पासवर्ड डाल देना है, वो ऐप ओपन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आप ऐप ओपन करेंगे वहाँ पर आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आपके मोबाइल में स्टोरी सेवर ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है सो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।